So I like to keep things simple, you know, and for me, this is a very simple definition of success. Success is when you exceed your औकात. जब आप औकात पार कर लेते हो ना अपनी, तो दुनिया आपको सक्सेसफुल मानती है. ये जो वर्ड है ना औकात, ये हमारी हिंदी में ही होता है, इसलिए लोग बेचारे इंग्लिश में आंसर दे रहे थे, उनसे आया नहीं. लिमिट शिमिट लोगों ने कहा, पर लिमिट स्टेटस वो फील ही नहीं आता जो औकात का आता. हर इंडियन को अपनी औकात का एहसास दिलाया जाता है. औकात में रहे, वो लड़की तुझसे नहीं पटेगी, औकात में रहे. औकात एक अजीब सा कॉन्स्ट्रक्ट है. हम सब के अंदर वो एक फीलिंग आती है कि मेरी इतनी औकात है और मैं औकात जितना बड़ा सपना ले सकता हूँ. मेरे पेरेंट्स की जितनी इनकम थी, जिस घर में वो रहते थे, जिस शहर से हम आए हैं, उससे 10-20% ऊपर का मैं सपना ले सकता हूँ. उससे 10 times 20 times का सपना मैं नहीं ले सकता. ये हमारे मन में फीलिंग डाली जाती है बहुत जल्दी से. लेकिन ट्रूली सक्सेसफुल आपको तब मानते हैं लोग, स्पेशली जो यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, आपको तब मानेंगे जब आप थोड़ा सा औकात क्रॉस करोगे. और ये जो IIT का एग्जाम है ना, इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है कि आपने अपनी औकात क्रॉस की एज अ एवरेज स्टूडेंट ऑफ इंडिया. यू नो दैट इज वॉट इट टेक्स. उस लड़की ने अपनी औकात पार किया, इसलिए आपको वो ज़्यादा सक्सेसफुल लगी स्ट्रेट अवे. वरुण ने भी किया, लेकिन उसका जन्म उसी घर में हुआ है, उसी लेवल में जन्म हुआ है, उसी लेवल को मेंटेन कर रहा है, थोड़ा इंप्रूव भी कर रहा है शायद, लेकिन इट कैनॉट कंपेयर टू द औकात. और आपकी लाइफ में तो वही 100-200 लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको तब ऊपर दिखेंगे जब आप अपनी औकात क्रॉस करोगे. सो दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. दिस एग्जाम इज ऑल्सो अ चांस टू शो कि यू कैन डू इट, यू कैन क्रॉस योर औकात एंड यू कैन गेट सक्सेस, राइट. मैं आपको अपनी औकात बताता हूँ. अगर आपके पेरेंट्स बिलियनर हैं तो आपके 76 भी आए या 66 भी आए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को पड़ता था. और मेरे को याद है जब मेरा रिजल्ट आया था 76%, डाइनिंग टेबल पे लोग ऐसे बैठे कोई मर गया है. चलो कोई बात नहीं, दिलासा देते. एक बड़ी थॉट के बाद मामा जी ने बड़ी इंसाइटफुल बात की, चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, कुछ ना कुछ. आई डोंट नो इसका क्या मैं मतलब निकालूं. चलो बेटे कोई बात नहीं, अब जाके सो जाओ तुम. मैं चला गया अपने रूम में सोने, कुछ ना कुछ तो करना है. तो कुछ कर रहा था. मैंने कहा मैं प्लान बनाता हूँ अपनी लाइफ का, क्या करूँगा मैं. उस टाइम ना इंडिया में STD बूथ्स बड़े नए नए आए थे. यू नो STD बूथ आप लोगों को पता भी नहीं है, यंग जनरेशन को STD बूथ क्या होता है. अब कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं होता था तब, आज तो होते भी नहीं STD बूथ. पता नहीं क्या कर रहा होता मैं, शायद जियो के सिम कार्ड बेचता. या पर मेरे को लगा STD बूथ खोलूंगा मैं, और मैं बहुत अगर स्मार्ट हो गया तो 2 STD बूथ हो जाएंगे मेरे, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 4 खोल दूंगा. तो मतलब लाइफ सेट है. तो अगले दिन जाके मैंने फिर डाइनिंग टेबल पे अपना प्लान बनाया कि मेरा ये प्लान है, मेरे को STD बूथ खोल लें और मैं बहुत मेहनत करूँगा, 2 से 4 लेके जाऊँगा. देखा लोगों ने मेरा ऊपर नीचे, औकात मेजर हो रही है कि ये सपना बराबर है औकात के कि नहीं. हाँ ठीक है, कर सकता है. मैं कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा कि लोग मुझे मुड़ के दोबारा देखे. ये चेंज करना है यार, ऐसे तो नहीं चलेगा. तो मैंने कहा यार क्या करूँ जो ये लोग मुझे एक बार फिर से मुड़ के देखे कि हाँ नहीं यार ये 76% के आगे भी लड़का कुछ कर सकता है. तो खुद से मम्मी चाहे जितनी डांटे लगा ले कि जाओ बेटे पढ़ो, वो जब तक अंदर से नहीं आएगा नहीं होगा. क्योंकि मेरे अंदर भी खुद से आया कि बॉस मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ से निकले जा रही है, कोई कोई नहीं परवाह करेगा. तो मैंने कहा सबसे मुश्किल कॉलेज कौन सा है इंडिया में जहाँ एडमिशन पाना. तो उस टाइम पे इतना कोई इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, पर मेरे को IIT सबसे मुश्किल होता है. IIT में तुम करके दिखा दो तो लोग बोलेंगे कि तुमने. तो फिर उसके बाद मैंने IIT की मेहनत स्टार्ट की. मैंने आपको पहले कहा मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मेथोडोलॉजी से पढ़ाई करनी पड़ी थी. अगर आप बहुत गिफ्टेड हो शायद आपके मन में सारा JEE डाउनलोड हो जाए एक ही सेकंड में, पर मैं तो नहीं था वो, और मोस्ट लोग नहीं होते वैसे. तो मेरे को प्लानिंग से पढ़ाई करनी पड़ी, प्लानिंग से तैयारी करनी पड़ी. लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स में मैंने काम किया. कई लोग मुझे बोलते हैं आपने कैसे किया इतनी अलग अलग फील्ड में, प्लस आप तो इंजीनियरिंग करते थे, कैसे अलग अलग फील्ड में आपने थोड़ा थोड़ा सक्सेस वहाँ पे मिला आपको. मेरे लिए सेम ही है मेथोडोलॉजी. ऑफकोर्स काम अलग है, पिक्चर बनाना और JEE में होना एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेंटल प्रेपरेशन सेम है, मेंटल थिंकिंग सेम है. किसी भी चैलेंज को जाकर किसी भी चीज़ को ओवरकम करना, और वो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की जो मैं आज आपको समझा दूंगा. माइंड को कैसे रेडी करना है इस तैयारी के लिए वो मैं आपको समझाऊंगा, जो शायद स्कूल में नहीं बताया जाता. जो लोग घबरा जाते हैं तैयारी करने से, यार ये तो मेरी औकात के बाहर है, ये तो होगा ही नहीं मुझसे, वो मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, आपका माइंड क्यों कहता है ये, सो दैट यू आर एटलीस्ट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस, राइट.
एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट एफर्ट गोल्स वर्सेस लॉन्ग एफर्ट गोल्स। ठीक है, सपोजिंग मैं आपको बोलूं कि अपना कमरा साफ करो, आपको कितनी देर लगेगी? एक घंटा, चलो बहुत गंदा है तो। आपको मैं बोलता हूँ खाना बनाना किसी के लिए, कितनी देर लगेगी? दो घंटे मैक्सिमम। ये गोल्स हैं, गोल है कमरा साफ करना, ये करना। आपने गोल अचीव कर लिया, कर लोगे, हाँ सब्जी ले आना, ले आए, गोल अचीव हो गया। पर क्या आज तक आपने ये सुना है कि यार ये आदमी बहुत सक्सेसफुल है, ये कल 3 किलो टमाटर खरीद के लाया? कहते कभी ऐसे? क्यों नहीं कहते? ये भी तो गोल था, आज का काम था टमाटर लाना, टमाटर के बिना कैसे सब्जी बनेगी? पर नहीं कहते, उसे नहीं कहते आपने औकात पार किया, उसे नहीं कहते आपने सक्सेस लिया, क्योंकि ये छोटी मेहनत के काम है। छोटी मेहनत मतलब एक दिन में 2-3 घंटे की मेहनत के काम। ये काम रोज आते हैं, ये काम रोजमर्रा की जिंदगी है, ये सब करते हैं। इसको करने में भी एक अचीवमेंट, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब आपकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, क्योंकि ये छोटी मेहनत का काम है। अगर आपको औकात पार करनी है, मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो इनवेरिएबली काम जो है वो लंबी मेहनत का होगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे IIT की तैयारी करनी है, 3 दिन में हो जाएगी, हो सकता है ऐसे? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे एक बुक लिखनी है, बस 4 दिन दे दो, हो जाएगा? नहीं हो सकता। मतलब मेरे को वेट लूज करना है 10 किलो, परसों तक हो जाएगा, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये लंबी मेहनत के काम है, और लंबी मेहनत के काम जो है उनको करने का तरीका अलग होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे। अगर आपका मन नहीं है कमरा साफ करने का, आप अपने आप को क्या कहते हो माइंड में? चल कर ले यार, चल करके खत्म करना, फिर सोएंगे, फिर फेसबुक देखेंगे, फिर टीवी देखेंगे, जो भी है बस करना, खत्म कर। इसे मैं कहता हूँ धक्का मार मोटिवेशन, इट इज फाइन। हम धक्का मार मार के अपने आप को मोटिवेट, अगर आपका मन कर रहा है वो काम करने का, वो तो अलग बात है। आई एम सेइंग सपोजिंग आपका मन नहीं है, आप अपने आप को पुश करते हो, धक्का मार मोटिवेशन, दैट्स व्हाट यू डू। इट डजंट वर्क फॉर लॉन्ग एफर्ट गोल्स, यू नो। आज से बस डाइटिंग चालू है, शाम को पार्टी हो गई, गुलाब जामुन आ गए, टेस्ट तो कर लो, बड़ा फेमस। इंडिया के आधे कैलोरीज तो टेस्ट में आ रहे हैं, खा थोड़ा रहे हम तो टेस्ट कर रहे थे। और फिर अगले दिन सुबह एक्सरसाइज जाना था, और ये डाइटिंग मेंटेन करनी थी, पर अरे यार कल रात को पार्टी में मैंने खा ही लिया, चल अब मैं परांठे खा ही लेता हूँ, अब तो खराब हो ही गई है डाइट। यू नो ये क्या है इक्विवेलेंट? आप सड़क पे जा रहे हो और आप कीचड़ में गिर गए, और आपने कहा मैं गिर ही गया तो थोड़ा और लौट लेता हूँ। अब आप कीचड़ में गिरते हो, और अगर गिर गए तो उठोगे, नहाओगे, नए कपड़े पहनोगे और फिर चल पड़ोगे। दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल कांट डू, बिकॉज दिस इज द लंबी मेहनत में यही करना पड़ता है। ये इतनी देर का काम है कि आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि अगर मैं गिरूंगा तो कैसे उठना है। आप तैयारी कर रहे हो, कभी कजन की शादी आ जाएगी, कभी इंडिया का मैच आ गया, कभी कुछ आ गया, अब आप बोलोगे मेरा कल खराब हो गया तो आज भी खराब कर लेता हूँ। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट, राइट? सो दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट एफर्ट वर्सेस लॉन्ग एफर्ट गोल्स। इन एनी थिंग इन लाइफ ऑलवेज रिमेंबर दिस, कुछ बड़ा करना है लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो दुनिया नहीं मानेगी उसे, और वो लंबी मेहनत करनी है तो लंबी मेहनत करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लंबी मेहनत है, इसी से बिग अचीवमेंट्स आती हैं, इसी से जो आज चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है, इम्पॉसिबल नहीं होती है वो, उसका सिर्फ ये मतलब है 2 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, राइट? एग्जाम्पल्स, राइटिंग अ बुक, क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड टेकिंग एंट्रेंस एग्जाम, दे आर ऑल सेम एग्जाम्पल्स, दिस इज योर स्टेज इन लाइफ। बट जो माउंटेनियर है उसको भी मेंटल प्रिपरेशन वही करनी पड़ेगी, राइट? आप एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ सकते हो, लेकिन आप माउंट एवरेस्ट आज नहीं चढ़ सकते, लेकिन अगर 2 साल आपको मैं ट्रेनिंग में लगा दूं शायद चढ़ जाओगे। सेम फॉर IIT JEE प्रिपरेशन, आज आप नहीं कर सकते, लेकिन 2 साल आपको लगा दूं मैं सही तरीके से तो कर लोगे। दैट्स हाउ ह्यूमन बींग्स आर, एंड यू हैव टू बिलीव दैट, कि ह्यूमन बींग्स ऐसे ही बेटर होते हैं, कोई भी लंबी मेहनत करके ही आगे बढ़ता है, कोई भी ऐसे नहीं है किसी का तुक्का नहीं लग गया। Thank you.